स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल टेक न्यूज नेटवर्क में। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु शर्मा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे ये रिपोर्टिंग कर पा रहा हूँ। आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो आप जानेंगे ये जो माहौल है, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा जो रथ यात्रा या जागरण यात्रा निकाली जा रही है उसकी तस्वीरें मैं आपके आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो ये कार्यक्रम है वो अपने आप में शिखर को हासिल करने वाला। लोग जो है तमाम तरीके से झंडों को लेकर लगे हुए हैं। आप मेरे पीछे भी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो तमाम झंडों के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो रथ यात्रा की है। और ये जो रथ यात्रा है ये हिंदुत्व का प्रतीक बनाई जा रही है। और अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है इसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये विजय यात्रा भी लोग कही जा रहे हैं, लोग तमाम तरीके से इस यात्रा का स्वागत भी कर रहे हैं। और वहीं पुलिस वाले भी हैं जो अपने आप अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। मैं आपको रथ यात्रा के मतलब उस तरीके से चल रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो भगवामयी झंडे अपनी गाड़ियों पर लगाए हुए हैं। और ये झंडे जो है वो अपने आप में भगवामय प्रतीक बता रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं जगह जगह इनका स्वागत भी कर रहे हैं। राम में नोएडा हो चुका है, भगवा में नोएडा हो चुका है। और जो राम नाम की जो ख्याति अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए हो रही है वो समस्त हिंदू जो समाज है, समस्त विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, तमाम हिंदू संगठन है जो इस चीज को साझा कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में मेरे साथ लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में जोश बना हुआ है। शुरुआत में गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी हमारे साथ थे और इसके बाद पंकज सिंह भी इस यात्रा में अपना स्नेह देने के लिए शामिल हुए हैं। मनोज गुप्ता जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है वो भी इस यात्रा में शामिल है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। हम आपको लगातार ये छवियां बता दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान में नोएडा हो चुका है और राम धुन हर जगह बजाई जा रही है।